शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और आदिवासी नेता और विधायक ओमकार सिंह मरकाम शामिल हुए। बैठक के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा की है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, हम अगले 6 से 7 दिनों में फैसला करेंगे। करीब 130 से 140 सीटों पर चर्चा हुई है, इसमें सभी के सुझाव सुन लिए गए हैं, अभी उसके आधार पर फिर से बैठक बुलाकर फैसला करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बैठक में 100 से ज्यादा सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। पार्टी प्रत्याशियों के लिए क्राइटेरिया तय किया गया है, इस बार बाहरी प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, 3 बार हारे नेताओं को भी टिकट नहीं दिया जाएगा, वहीं जिले के बाहर के नेताओं को भी टिकट नहीं मिलेगा। अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे, पर लगभग हमने 130-140 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए, सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। बोलिए, अभी 4-5 दिन तो लगेंगे क्योंकि सीटों पर चर्चा हुई है सर, लगभग 140 सीटों पर। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली सूची पितृपक्ष के बाद नवरात्रि में जारी हो सकती है, अधिकतर पार्टी के नेता पितृपक्ष में सूची जारी करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि प्रत्याशियों की सूची अब नवरात्र में जारी की जाए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम 2 सूची में जारी करेगी, पहली सूची के बाद दूसरी सूची में बाकी बचे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। भाजपा ने अब तक 3 सूचियों में 79 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, इसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, साथ ही 1 राष्ट्रीय महासचिव भी प्रत्याशी बनाए गए हैं। भाजपा ने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार कर कांग्रेस को चौंका दिया था, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने रणनीति में बदलाव करने का निर्णय लिया, यही वजह है कि कांग्रेस की 12 और 13 सितंबर को और 3 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, इसके बाद नामों को तय कर CIC के पास प्रस्ताव भेजा गया। कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रही है, इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने लगातार क्षेत्र के दौरे किए और प्रत्याशियों के चयन को लेकर जमीनी फीडबैक लिया, जिसके आधार पर ही हारी सीटों पर प्रत्याशियों का चयन किया गया है। कांग्रेस ने इस बार सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को उतारने का निर्णय लिया है, सिंगल नाम वाली और हारी सीटों पर पार्टी ने पहले ही अपने प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी में जुटने को कह दिया है, यह बात कई बार पीसीसी चीफ कमलनाथ कह चुके हैं। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक तरह से समर्थन किया। AICC मुख्यालय में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद मध्य प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर सुरजेवाला ने कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो भी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का चेहरा है। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन अगर पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल करने में कामयाब होती है तो नाथ को सबसे आगे माना जा रहा है। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नाथ का समर्थन कर चुके हैं। आनंद पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अमर उजाला, भोपाल। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।